हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। ओम अज्ञान तिमिरांत से ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिक। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम उत्तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानिताश्च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिता। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुत उवाच विदुरः तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मनः गतिं ज्ञात्वा आगात हस्तिनापुरं तया अवाप्त विवित्सितः। तीर्थयात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे इच्छानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि विदुर जी की मुलाकात हुई मैत्रेय मुनि से और मैत्रेय मुनि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आत्म ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद वे हस्तिनापुर लौट आए। विदुर तो यहीं थे जहां सब पांडव कौरव इत्यादि थे, परंतु विदुर का जो विचार था वो इनसे अलग था। उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी जिसके कारण वो घर छोड़कर चले गए थे। जो पॉलिटिक्स हो रहा था यहाँ उस समय, अब विदुर जी आए हैं लौट करके मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करके। जब मैत्रेय मुनि उनको मिलते हैं रास्ते में तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उसके बारे में जानना चाहिए। तो जो बात होती है वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुत गोस्वामी। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे थे और मैत्रेय मुनि जवाब दे रहे थे, लेकिन बहुत देर तक प्रश्न उत्तर होने के बाद विदुर जी को संतुष्टि मिल गई और विदुर जी ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो सारे निवासी महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों सहित स्त्रियां सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। तो विदुर जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सही और गलत का अंतर पता था उनको और सही का साथ देते थे, गलत का साथ नहीं देते थे। और ऐसा व्यक्ति जो है होता है वो उसको कभी डर नहीं लगता है क्योंकि वो हमेशा सही का साथ देता है और ऐसे लोगों से ही दुनिया चलती है। तो जब विदुर जी थे तो ये बहुत सबको ऐसा बल रहता था कि हाँ हमारे साथ एक अच्छा आदमी है, लेकिन जब विदुर जी चले गए तो सबको लगा ऐसे कि कुछ मिसिंग है, कुछ हमारे पास से चला गया है। तो जब वो आते हैं तो उनको लग
उन सबको लगता है इतने लोगों को कि चेतना वापस आ गई, हम अभी तक तो मरे हुए के समान थे, अब चेतना वापस आ गई है। वे सब बहुत प्रसन्न हुए, उनके निकट गए और ऐसा उनको लगा ऐसे शरीर में प्राण हमारे फिर से संचार हो गया, हमारे शरीर में प्राण जो गायब हो गया था नहीं था, वो वापस प्राण आ गया है। उन लोगों ने प्रणाम किया, एक दूसरे को आलिंगन किया और स्वागत किया। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर चिल्ला पड़े। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। इतने सारे लोग आए थे और सारे लोग जो थे वो परेशान थे, चाह रहे थे कि विदुर जी से बात करें। हल्ला हंगामा हो रहा था, तब सब इंतज़ाम किया युधिष्ठिर महाराज ने कि ठीक है सब लोग ठीक से बैठेंगे और सब लोग ठीक से प्रश्न पूछेंगे या स्वागत करेंगे या बातचीत करेंगे जो भी है। तो जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम भी कर चुके तो उन्होंने उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया और तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहाँ पर उपस्थित सारे लोग सुनते रहे। तो इतने सारे लोग थे जैसा अभी हमने देखा, नाम बताया है, सारे लोग थे, स्त्रियाँ भी थीं, बच्चे भी थे, बड़े भी थे और सब चाह रहे थे कि हम जाने कि विदुर जी क्या इतने दिन के बाद आए हैं, क्या हमको शिक्षा देंगे, कहाँ थे, अभी हम आए हैं तो हम इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये सब सबके दिमाग में चल रहा था, सब छोड़ना नहीं चाह रहे थे विदुर जी को। तो युधिष्ठिर महाराज चूँकि वो राजा थे, बहुत बड़े भी थे, तो वो प्रश्न पूछ रहे थे और बाकी सारे लोग जो हैं वो सुन रहे थे उत्तर। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान और अग्निदाह से बचाया है, ये सच बात है? महाराज युधिष्ठिर याद दिला रहे हैं विदुर जी को कि कैसे विदुर जी ने उनकी रक्षा की थी जब कौरव गण इन्हें मारना चाह रहे थे पांडवों को, तो विदुर जी ने इशारा से, कभी सामने कभी कोई इशारा से उनको ऐसा ज्ञान दिया कि तुम्हें कैसे बचना चाहिए और फिर वो बचे थे। जब एक बार भीम को विष दिया था या उन सबको लाक्षागृह में चलाने की कोशिश किया था, तो सब जगह इनका पक्ष लिया विदुर जी, क्योंकि विदुर जी को पता था कि ये लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं और इनके पिता भी नहीं हैं और इनका अधिकार इनको नहीं मिल रहा है, ये सब उनको पता था, इसलिए वो इनके पक्ष में कुछ बोलते थे या कोशिश करते थे कि ये सब बड़े हो जाएं, अच्छे सुरक्षित तरीके से बड़े हो जाएं। तो यही चीज़ युधिष्ठिर महाराज उनको याद दिला रहे हैं। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? जब बहुत दिनों तक विदुर जी बाहर घूम रहे थे तो क्या क्या हुआ होगा, कैसे उन्होंने अपना जीवन काटा, कितनी मुसीबतें आई या क्या अच्छा देखा उन्होंने, क्या अनुभव हुआ उनको, ये सब जानना चाह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज और बाकी सारे गण लोग। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, चूँकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो जहाँ भी रहते हैं, चूँकि वो भगवान की कथा करते हैं, तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान होते हैं। इसीलिए किसी भी स्थान पर जब प्रभुपाद जाते थे तो वहाँ पे पूरा वातावरण वो भगवान वाला, मंदिर, भगवान के विग्रह, भगवत कथा इत्यादि बना देते थे, तो वो जगह भगवान का वृंदावन जैसा ही बन जाता था। जैसे नाम भी आपको पता है कि अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम रखा है प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन, है ना? तो जो भक्त होते हैं उनमें ये लक्षण होता है कि वो किसी भी स्थान पर जाएंगे उसको पूरा आध्यात्मिक बना देंगे। इसीलिए विदुर जी के बारे में एकदम सत्य कहा है इन्होंने कि आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तीर्थ स्थान का मतलब क्या हुआ? जो आध्यात्मिक दिव्य है, जहाँ भगवान लीला किए हैं, जहाँ भगवान से संबंधित बहुत सारे स्थल हैं अभी भी, उसको तीर्थ स्थान कहते हैं।
भक्त जो होते हैं किसी भी बड़े शहर में प्रभुपाद जाते थे, पूरा मटेरियल जो होता है मटेरियलिस्टिक स्थान, पर वो स्थान को जब वो घेर करके एक ज़मीन को पूरा बाउंड्री वॉल बना के वहाँ पूरा अच्छे से मंदिर बना दिया, भजन कीर्तन भागवतम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और जितना भी होता है समुचा, तो वो जो एरिया हो गया वो पूरा एरिया कैसा हो गया, वृंदावन जैसा हो गया। ये सत्य है, आप कहीं भी जाते हैं वो वृंदावन है जहाँ पे कृष्ण का मंदिर है और जहाँ सच में सेवा होती है ठीक तरीके से, तो वो तीर्थ स्थान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका गए, इंग्लैंड गए या मुंबई गए और वहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो अरे यहाँ तो वृंदावन नहीं है, हमको तो वृंदावन जाना चाहिए। नहीं नहीं वो भी वृंदावन के ही समान है। ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा, पर यदि चेतना अच्छी है तो भगवान वही फल देंगे। चेतना अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। तो हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो द्वारका गए होंगे आप अवश्य, आप तो घूम रहे थे सब जगह, तो द्वारका में आपने क्या देखा? कृष्ण को क्या देखा? बलराम जी को क्या देखा? अक्रूर जी और जितने भी हैं वो सारे रिश्तेदार हमारे, क्या वो सुखपूर्वक रह रहे हैं? ऐसा प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने। फिर महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। तो ये तब की बात है जब यदुवंश का नाश हो चुका था, लेकिन फिर भी विदुर जी ने यदुवंश के नाश की बात नहीं कही, बाकी सारी 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 चीज़ें उन्होंने बता दी। हाँ ये देखा, अच्छा और जो दिल को दुख पहुंचाता है ऐसी बात कोई नहीं कहना चाहता है, इसलिए विदुर जी भी ये नहीं बताया कि कैसे उनकी आपस में लड़ाई हुई और कैसे अब यदुवंश नहीं रहा, ये नहीं बताया। दयालु महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुख नहीं, उनका दुख नहीं देख सकते थे, उनको दुख नहीं दे सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं, विपत्ति तो आती है, विपत्ति आएगी ही, तो विपत्ति जो भी समझिए, पर भगवान के कुल में भी ऐसी घटना थी जो घटी और भगवान की मर्जी से घटी। और विदुर जी सोच रहे थे कि यदि हम बताते हैं तो सब दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे भगवान कृष्ण के वंश के सारे लोगों के साथ, तो इसलिए उन्होंने ये घटना नहीं बताई। इस प्रकार अपने कुटुंबियों तथा देवतुल्य द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार ने सबको सुख देने के लिए वहाँ रहते रहे। तो विदुर जी वहाँ कुछ दिन रहे क्योंकि उनको लगा ठीक है ये सब दुखी हैं तो थोड़ा हमसे जो बन पड़ेगा कैसे भी इनको सांत्वना दें, इनके दुख को थोड़ा कम करें या शिक्षा दें, बड़े व्यक्ति का जो कर्तव्य है, इसलिए वो कुछ दिन वहाँ रहे। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तो विदुर जी जो है ना वो वास्तव में यमराज जी है। यमराज जी को श्राप मिला था कि तुमको शूद्र का शरीर प्राप्त होगा, इसलिए वो विदुर जी बनकर जन्म लिए थे, दासी पुत्र थे। तो विदुर जी जब यहाँ रहे तो यमराज जी के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे, यही यहाँ बता रहे हैं, अर्यमा नाम के देवता जो है वो कार्य कर रहे थे। अपना राज्य वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में पटु था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे पटु प्रशासक थे असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो युधिष्ठिर महाराज अब राजा थे और
जन्म हो गया था परीक्षित का, और अब परीक्षित महाराज उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। जब तक वो छोटे रहे, बच्चे रहे, तब तक युधिष्ठिर महाराज ने राज्य चलाया और उनका साथ दिया। बाकी चार भाइयों ने अलग अलग दिशाओं में राज्य चलाया सब ने मिलकर, और युधिष्ठिर महाराज बहुत बहुत ऐश्वर्य का भोग किया युधिष्ठिर महाराज ने और सब ने, क्योंकि ऐश्वर्य था। सब पटु प्रशासक थे, अच्छा राज्य चला रहे थे, सब बहुत होशियारी से राज्य चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ज्ञान की कमी, धन की कमी ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुरस्त नित्य काल अनजाने ही धर दबोचता है। अब ये है कि एवं गृहे सुसक्ता नाम प्रमत्ता नाम तदिहया अत्यक्रामत अविज्ञात कालः परम दुस्तरः। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जो सिर्फ घर बच्चा परिवार इसमें ही व्यस्त रहते हैं, उनको समय जो भगवान का एक रूप है दबोच लेता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। जब तक उनको होश ही नहीं आता है कि हम करें क्या, हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो महात्मा विदुर जो थे वो तो ज्ञानी थे, उनको तो पता था कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। तो महात्मा विदुर सब जानते थे, इसीलिए महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं जो उनका बड़ा भाई था, कि हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, अब आप लेट मत करिए, अब आप बहुत दिनों से आप यहाँ हैं, घर गृहस्थी राजमहल परिवार राजमहल का सुख ऐश्वर्य भोग रहे हैं, लेकिन अब यहाँ मत रहिए, आप देखें कि भय ने किस तरह आपको अभिभूत कर रखा है। तो विदुर जी उनकी आंखें खोलना चाह रहे थे महाराज युधिष्ठिर की, कि आप जहाँ रह रहे हैं और जो चीज़ को अपना सब कुछ समझ रहे हैं, स्थाई समझ रहे हैं, वास्तव में तो वो सब अस्थाई है, कष्ट देने वाला है, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। ये सब समझाने के लिए विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि अब आप छोड़ के घर को घर से निकल जाइए, बहुत दिनों तक आप यहाँ पर रह लिए, बहुत तो आपने भोग विलास कर लिया, और भोग विलास मत करिए, ये सही नहीं है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का उपचार नहीं कर सकता है, प्रभु शाश्वत काल रूप में भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। तो क्या भगवान क्या है, भगवान कौन है, मृत्यु क्या है, काल क्या है, ये सब कुछ का ज्ञान था विदुर जी को, और वो चाह रहे थे कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जो है वो भी इस बात को समझें और निकल पड़े। तो जो भी परम काल के प्रभाव में रहता है उसे अपना सर्वोप्रिय सर्वोपरि प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो नश्वर है, समाप्त हो जाएंगी, ये सब तो कुछ भी रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए चाहे या ना चाहे काल तो सब ले लेगा, काल तो सब लेने वाला है। काल मतलब भगवान का ही एक रूप है, काल चलता रहता है, समय चलता रहता है, कितना भी कोशिश करेंगे हम उसको रोकने की, वो रुकने वाला नहीं है। तो एक दिन वो समाप्त होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भौतिक दुनिया का मतलब है काल चक्र, एक बार जन्म और एक बार मृत्यु, बीच के टाइम में जो करना है कर लो, तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं विदुर जी युधिष्ठिर महाराज को। आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मृत हो चुके हैं और दूर चले गए हैं, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि सब तो जा चुके हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है, आपके बच्चों की भी मृत्यु हो चुकी है, आपसे बड़े थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी है,
और आप भी इतना लंबा समय बिता चुके हैं, अब आप भी बूढ़े हो चुके हैं, फिर ये इतना ज़्यादा यहाँ से आसक्ति क्यों है, यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, दूसरे के घर में क्यों पड़े हुए हैं। ये उनकी आँखें जो है बंद, उनको खोलने के लिए बोल रहे हैं विदुर जी कि समझने की कोशिश करिए आप यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं। सच बात है ना, उनके सारे पुत्र मारे गए और युधिष्ठिर महाराज के घर में, अब युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, पांडवगण राजा हैं, उनके घर में धृतराष्ट्र ऐसे ही पड़े हुए हैं, समय बिता रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो विदुर जी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए, आपको अब भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन मैं आज छोटा ही करके समाप्त कर देती हूँ। तो अगर आप, कोशिश करूँगी जल्दी बनाने का, अगर आपके प्रश्न हो तो कृपया पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कथा की जय। पिताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल।